फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चेन्नई की वेल नोन रेसिपी चिकन 65। फ्रेंड्स जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ये एज अ स्टार्टर भी सर्व किया जाता है और एज अ मेन कोर्स भी, लेकिन मैं आपको आज रेसिपी दूंगी एज अ स्टार्टर चिकन 65 की। और ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम बोनलेस हाफ चिकन लेंगे और उन्हें क्यूब्स में काट लेंगे। साथ ही में हम लेंगे करी लीव्स और उसको बारीक बारीक हमें चॉप करना है, इसे हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे बोनलेस चिकन, सिर्फ हमें बोनलेस चिकन ही लेना है, और साथ ही हम डालेंगे क्वार्टर कप दही। फ्रेंड जब भी हम चिकन 65 के बारे में सुनते हैं दिमाग में ज़रूर ख्याल आता है इसका नाम चिकन 65 क्यों है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज एंड आर्टिकल हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ये कही जाती है 1965 में इसका ओरिजिन हुआ था और बुहारीज होटल था एक चेन्नई के अंदर, वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था। और ये भी कहा जाता है इसको 65 ओल्ड एज चिकन से बनाया जाता है। और ये रेसिपी साउथ इंडिया की मुझे बहुत पसंद है और जो रेसिपी मुझसे अच्छी बनती है और मुझे बहुत पसंद आती है वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, और जो बहुत सिंपल भी होती है। तो मैरिनेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, ये बस थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी कश्मीरी लाल मिर्च। तो उसके लिए कलर लाना बहुत ज़रूरी होता है, लाल लाल जो कलर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिकन 65। चिकन 65 की पहचान रेड कलर से ही होती है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर देगी लाल मिर्च डाल दें, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें रेड फूड कलर और डाल दिया ताकि कलर इसका बहुत डार्क आ जाए। तो ये हमारा और मैरिनेशन हो चुका है, अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैरिनेशन को तो यही कहा जाता है जितना आप उसको रखेंगे मैरिनेट करके मसाला उतना ही अंदर जाएगा, उतना ही टेस्टी बनता है। चिकन 65 अपने आप में एक अलग रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है और उसकी खुशबू इसको अपने आप में अलग करती है। चलिए अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। 2 घंटे बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैरिनेशन तो हो गया है लेकिन इसमें दही का गीलापन है, तो उस गीलेपन को एब्जॉर्ब करेगा हमारा ये राइस का पाउडर। और ये मैंने भर के 4 चम्मच बड़े वाले 4 चम्मच डाला है। अगर आपको लगता है कि दही ज़्यादा पतली थी या ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी तो आप इसके अंदर और भी राइस पाउडर डाल सकते हैं, और ये हमारे चिकन 65 को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा, बहुत ही टेस्टी बना देगा। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लिया है, बस इसको हम फ्राई करेंगे और बिल्कुल इसको मीडियम आंच पे रख के फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए और थोड़ा गैप दे देकर इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे, ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। जब भी हम फ्राई करते हैं तो चिकन हो या कुछ भी आप फ्राई करें तो उसको ओवर क्राउडेड कभी ना करें। तो यहाँ हमारा अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है और क्रिस्पी क्रिस्पी आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। बस अब इसे हम निकाल लेंगे इस स्टेज पर। इसी तरीके से हम सारे चिकन को फ्राई करते जाएंगे। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम लगाएंगे कड़ी पत्ते और लहसुन का तड़का। आप देख सकते हैं मैंने चिकन 65 में सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर दी और उसमें ज़रा तीखापन नहीं होता है, तो आप बिल्कुल इसके अंदर देगी मिर्च इस्तेमाल करें अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। चलिए एक पैन में अब हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल और लगा लेंगे इसका ज़बरदस्त सा तड़का। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो बस अब इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक चॉप करके, और हल्का सा इसको गर्म होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, इसकी खुशबू अलग ही होती है। साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च स्लिट करके बीच में से डाल दी हैं। बस इसको सॉटे करेंगे जब तक इसके अंदर अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और ये देखिए ये अच्छे से सॉटे हो चुका है और खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी आ रही है कड़ी पत्ते की और लहसुन की। तो अब हम इस स्टेज पर इसको डाल देंगे चिकन को और बस थोड़ी देर साथ में सॉटे कर लेंगे और हमारा तैयार हो चुका है ज़बरदस्त सा टेस्टी चिकन 65। जब मैंने इसके अंदर तड़का लगाया तो मेरा ये मन कर रहा था बस अभी उठा के इसको खा लूँ, और मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि तड़के ने इसका जो टेस्ट था वो डबल कर दिया। कड़ी पत्ती खुशबू, लहसुन की खुशबू, साथ में हरी मिर्च का एक अलग ही टेस्ट इसके अंदर आ गया था। तो अब ये मैंने इस पर काली मिर्च भी डाल दी और काली मिर्च से ओहो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था ये। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी चिकन 65। मिलती हूँ अगली बार एक नई और दिलचस्प रेसिपी के साथ।